नमस्कार, आप देख रहे उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा। आज के समाचार के प्रस्तुत करता है संजीवनी। फसल को सुरक्षा कवच, किसानों को निम्ति वरदान। वेवेल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज गेट नंबर 2 कॉलेज पाड़ा सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर अनबीटेबल प्राइस, विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार डीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। एट वीदा स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस PSL इन एसोसिएशन विद HNA आर्म्स इनकॉर्पोरेशन जापान। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने सिलीगुड़ी में पार्टी के नेताओं के साथ की मैराथन बैठक। विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर जीत का दिया मंत्र। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने देर रात शहर के एक होटल में जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी क्षेत्र के पार्टी नेताओं और उम्मीदवारों के साथ मैराथन बैठक की। बैठक में नड्डा के अलावा सांसद राजू बिष्ट, डॉक्टर जयंत कुमार रॉय, प्रदेश संगठन मंत्री किशोर बर्मन, प्रदेश महासचिव रथेंद्रनाथ बोस, सांतन बासु परोपेक्ष, रत्नाकर पांडे की उपस्थिति रही थी और 11 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी सिलीगुड़ी जिला के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल, बापी गोस्वामी, महासचिव राजू शाह, आनंदमय बर्मन और विधानसभा क्षेत्र के संयोजक और परोपेक्ष मौजूद थे। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भाजपा पदाधिकारियों को नड्डा ने 15 सूत्री मंत्र देते हुए हर हाल में सभी विधानसभा सीटों को जीतने का आह्वान किया। उन्होंने बैठक में नेताओं को निर्देश दिया कि वह चुनाव तक प्रतिदिन समीक्षा बैठक करते रहे। विभिन्न संगठनों से जुड़े पदाधिकारी, खेलकूद से जुड़े खिलाड़ियों और संगठन के पदाधिकारियों के साथ लगातार जनसंपर्क में रहे। शक्ति केंद्र मंडल और ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं से सीधा संपर्क करें। जमकर चुनाव प्रचार कर रहे अशोक नारायण भट्टाचार्य, कहा मिल रहा है अभूतपूर्व समर्थन। सिलीगुड़ी विधानसभा के वाम कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार CPM नेता अशोक भट्टाचार्य धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने कहा चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। शुक्रवार को भट्टाचार्य ने सिलीगुड़ी के 16 नंबर वार्ड में अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार किया। उन्होंने वार्ड के विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ बात की और उन्होंने उनकी समस्याएं एवं उनका सुझाव सुना। साथ ही उन्होंने चुनाव बाद उन समस्याओं के द्रुत समाधान का आश्वासन दिया। बता दें कि अशोक भट्टाचार्य के साथ चुनाव प्रचार के दौरान वार्ड संयोजक सुजय घटक भी दिखे। चुनाव प्रचार के दौरान अशोक भट्टाचार्य तृणमूल की राज्यसभा सांसद शांता क्षेत्री से भी मिले। वोटर्स मीटिंग करती, छोटो छोटो पड़ाए पड़ाए जनसभा करती, मिशिल करती, प्रचार जतगुलो विषय आछे सोशल मीडिया सेटा व्यवहार करछि। सब दिक दिए एक खूब भलो पजिटिव रेसपन्स এবং এই রেসপন্সের মধ্যে একটা স্পন্টেনিটি আছে। অনেক প্রচার যেটা আমাদের নিজেদের করতে হচ্ছে না, সাধারণ মানুষ নিজেরাই করছে যে কেন BJP-কে মানুষ চায় না, কেন তৃণমূল কংগ্রেসকে মানুষ চায় না। বিকল্পটা যে একটা মানুষের মধ্যে নতুন উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছে, বামফ্রন্ট এবং কংগ্রেস যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যে সংযুক্ত মোর্চা তৈরি করেছে, এতে মানুষ একটা কনফিডেন্স পাচ্ছে বলে আমাদের মনে হয়েছে। उत्तर बंगाल के लिए केंद्रीय शिशु और महिला कल्याण राज्य मंत्री देवश्री चौधरी ने जारी किया घोषणा पत्र। कहा उत्तर बंगाल के लिए वाम मोर्चा और तृणमूल कांग्रेस ने नहीं किया है कोई काम। उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज सुदर्शन नगर सांसद कार्यालय में एक कार्यक्रम के बीच केंद्रीय शिशु और महिला कल्याण मंत्री देवश्री चौधरी ने उत्तर बंगाल के लिए इस घोषणा पत्र में उत्तर बंगाल के विकास को लेकर विभिन्न प्रकार की योजनाओं का उल्लेख किया गया है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री देवश्री चौधरी ने कहा कि पिछले 30 वर्षों तक शासन करने वाली वाम मोर्चा और 10 वर्षों तक राज करने वाली तृणमूल कांग्रेस ने उत्तर बंगाल के विकास के लिए कुछ नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ राजनीति की है। भाजपा सत्ता में आने के बाद उत्तर बंगाल के विकास के लिए कदम उठाएगी। उत्तर बंगाल में स्वास्थ्य की अवस्था काफी बदहाल है। नदी कटाव की समस्या अभी भी बनी हुई है। चाय बगान के श्रमिकों की समस्या अभी तक अनसुलझा है। उन्होंने कहा कि इन सभी समस्याओं को सुलझाने के साथ ही भाजपा सिलीगुड़ी में मेट्रो रेल चलाने सहित कई योजनाओं को हाथ में लीगी और शुरू करेगी, जिसके चलते उत्तर बंगाल का तेजी से विकास होगा। जे तीनटे विशेष जिनिस उत्तर बंगेर जन्य बड़ जिनिस उत्तर बंगेर जन्य घोषणा करा हुएछे। 675 किलोमीटर लम्बा नेताजी एक्सप्रेस वे जेटा गत केंद्रीय बजेटे बरद्द हुएछिलो 25,000 कोटी टाका बरद्द हुएछे, सेई नेताजी एक्सप्रेस वे
দ্রুত নির্মাণ এবং কলকাতার সঙ্গে শিলিগুড়িকে সংযুক্ত করার কাজ দ্রুত শেষ করা হবে। আরেকটি বিশেষ যে বিষয়, শিলিগুড়িতে মেট্রো চালু করা হবে। তিন নম্বর যেটা সবচেয়ে ভাইটাল উত্তরবঙ্গের মানুষের জন্য, আমরা জানি দীর্ঘদিন ধরে রায়গঞ্জে একটা এইমস তৈরি করার কথা ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে রাজনৈতিক টানাপোড়েনে কংগ্রেস সিপিএম তৃণমূল তিন এই ত্রয়ীর উদ্যোগে উত্তরবঙ্গ থেকে বা রায়গঞ্জ থেকে এইমস চলে যায়। देवांशु भट्टाचार्य ने डाबुराम फुलबाड़ी विधानसभा केंद्र से खड़े तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार गौतम देव के लिए किया चुनाव प्रचार। आपको बता दें कि देवांशु भट्टाचार्य वही व्यक्ति है जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस के लिए खेला हौबे का गीत लिखा है, जो काफी लोकप्रिय हो चुका है। सिलीगुड़ी में आयोजित जनसभा में उन्होंने जमकर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और वाम मोर्चा पर हमला बोला। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की जीत को निश्चित बताया। उम्मीदवार गौतम देव ने भी कहा कि राज्य में तीसरी बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। उन्होंने अपने पक्ष में सभी मतदाताओं को मतदान करने की अपील की। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन जापान? वी हैव एक्साइटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज स्पेशली इन इंडस्ट्रीज लाइक नर्सिंग, केयर गिवर, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। एडवांटेजेस ऑफ वर्किंग इन जापान: बेटर पे पैकेजेस, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in. At Veda School of Languages, VSL in association with HNA Arms Incorporation Japan. Call us at 9911546021. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50-70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। जैविक राज्य सिक्किम को अनुपम उपहार संजीवनी विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि, जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सर काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्। सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। संजीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा सिलीगुड़ी। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है, तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A-Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A-Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। SK Live ही बेस्ट ऑप्शन है। SK Live का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन,
एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम हैथवे और एनएक्सटी डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और सीसीएन सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक एनएक्सटी डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बढ़ते चरण में अपनी हार देख हताश में आक्रमण होकर हमले करवा रही है सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पार्टी, ये बातें कही है दिलीप घोष ने। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि 8 चरण में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जैसे जैसे समाप्ति की ओर बढ़ती जा रही है, सत्ताधारी पार्टी अपनी हार निश्चित देख हताश में आक्रामक होकर हमले करवा रही है। शुक्रवार सुबह जलपाईगुड़ी सदर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार सुजीत सिंह के साथ चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने ये बातें कही। दिलीप घोष आज सुबह जलपाईगुड़ी के पांडापाड़ा इलाके में स्थानीय लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चाय पर चर्चा की। बाद में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कूचबिहार के माथाभंगा में उन पर हमले किए गए। उन्होंने कहा कि वे लोग कभी दूसरे पर हमले नहीं करते, कौन हमले करते हैं, उस दिन उन पर हुए हमले से साफ हो गया। उन्होंने कहा हमले में उनकी 10 कार क्षतिग्रस्त हो गई। इसके साथ ही कल रात चेतला मीडिया पर हमले की कड़ी आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि मीडिया पर हमले का मतलब लोकतंत्र पर हमला है। এটা প্রথমবার হচ্ছে না, কিছুদিন ধরে শুরু হয়েছে। ওনারা ভেবেছিলেন পুলিশ আগের মতো ওদের ক্যাডার হয়ে কাজ করবে, ভেবেছে মিডিয়া কর্মীরাও ওদের যা বলবে তাই করবে। গণতান্ত্রিক পরিবেশটাই নষ্ট হয়ে গেছিল। সাধারণ মানুষ বুঝতে পেরেছে যে এরা যাচ্ছে, পরিবর্তন হচ্ছে, তারাও ধীরে ধীরে নিরপেক্ষ হয়ে কাজ করার চেষ্টা করছেন, তাই তাদের উপরে আক্রমণ হচ্ছে। এটা এক প্রকার গণতন্ত্রের উপরে আক্রমণ। কাজে লাগিয়েছে পুলিশকে, কাজে লাগিয়েছে পুলিশ, এখন কথা শুনছে না বলে পুলিশকে গালাগালি দিচ্ছে। মিডিয়াগুলোকে জোর করে ধমকে চমকে নিজের মতো কাজ করেছে। আজকে মিডিয়াও বুঝতে পেরেছে পরিবর্তন হচ্ছে, তাই মিডিয়া কর্মীদেরকে মারছে। সেদিন আমার সঙ্গে ছিলেন যারা, তাদের গাড়ি ভেঙেছে। তারপরে ইলেকশন কমিশন, সেন্ট্রাল ফোর্স, ইভিএম, এদের মাধ্যমে জিতে দিদিমণি দুবার মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। এখন মনে হচ্ছে এরা শত্রু, কারণ হেরে যাচ্ছেন, লোক সঙ্গে নাই। এই হতাশার থেকে এই ধরনের কাজ করছে ওরা, আর এগুলো সমস্ত উল্টো হচ্ছে। সাধারণ মানুষ এগুলো দেখছে, সব জবাবটা ভোটের বাক্সেই দেবে। भाजपा प्रत्याशी शंकर घोष कर रहे धुआंधार चुनाव प्रचार, कहा मिल रहा है जबरदस्त समर्थन। दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी विधानसभा केंद्र के भाजपा प्रत्याशी शंकर घोष जोरदार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने अपने समर्थकों के साथ अपने विधानसभा क्षेत्र के सिलीगुड़ी नगर निगम के 27 नंबर वार्ड के विभिन्न इलाकों में चुनाव प्रचार किया। चुनाव प्रचार के दौरान वे घर घर जाकर लोगों से मिले और उनका आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा प्रचार के दौरान उन्हें लोगों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। गौरतलब है कि सिलीगुड़ी विधानसभा केंद्र में उनका मुकाबला वाम कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार सीपीएम नेता व कभी उनके राजनीतिक गुरु रहे अशोक भट्टाचार्य तथा तृणमूल कांग्रेस के डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा से है। सभी अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। रुचिहीन राजनीतिर एक बड़ निदर्शन पराजय निश्चित जेने का देखते যে বাম কংগ্রেস তারা তো একসাথেই ছিল, এবার তৃণমূলও এর সাথে যুক্ত হয়েছে। সবাই মিলে এই যে কাজগুলো করছে আপনারা নিজেরা দেখলেন কিভাবে ফ্ল্যাগ ফেস্টুন ছিঁড়ে ফেলা হয়। এর আগে দেখেছেন আমার ফটোর উপরে লাল ঝান্ডা লাগিয়ে রাখা হয়েছিল, ফেস্টুনের উপরে, ফ্লেক্সের উপরে প্রধানমন্ত্রীর ছবি বিকৃত করা হয়েছিল। আমি শিলিগুড়ির সাধারণ নাগরিকদের কাছে এই আবেদন রাখতে চাই, এই রুচিহীন রাজনীতিকে আপনি সমর্থন করেন। এই রুচিহীনতার পরিচয় রাজনীতিকে কোন পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে, ফলে স্বাভাবিকভাবেই আমি আবেদন করব সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাছে যে এই রুচিহীনতার পথে পা বাড়াবেন না। পরাজয় যে কোনো দলের হতে পারে, এর আগে আপনারা জিতেছেন, এবার হারবেন সেটা যখন নিশ্চিত আপনারা মনে করছেন, তাহলে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই ধরনের রুচিহীনতার পরিচয় রাজনীতিকে কদর্য করবে, এই পথ পরিহার করুন। এবং রাজনীতিতে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের মত পথ, তারা তাদের কথা মানুষের কাছে বলবে। ফ্ল্যাগ ফেস্টুন লাগানোর অধিকার তো সবার আছে, তাহলে সেখানে দাঁড়িয়ে এই ধরনের রাতের অন্ধকারে, রাতের অন্ধকারে আমার নামে পোস্টার মারা হয়েছে, তারপরে আর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে এইগুলো দেখতে দেখতে আমার বারবার করে মনে হয় যে রাজনীতিকে সহজভাবে যারা গ্রহণ করেন না, তাদের রাজনীতি করাটাই উচিত না।
मेरे ऊपर योजनाबद्ध तरीके से किया गया था हमला। हमले के समय जानबूझकर केंद्रीय बल के जवानों को हटा दिया गया था। जलपाईगुड़ी में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने लगाया आरोप। 10 तारीख को चौथे चरण के लिए होने वाले चुनाव से पहले कुचबिहार जाने के क्रम में जलपाईगुड़ी पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि उन पर हमला योजनाबद्ध तरीके से किया गया था, क्योंकि उस समय केंद्रीय वाहिनी के जवानों को हटा लिया गया था। साथ ही गौतम देव के वायरल वीडियो को लेकर भी उन्होंने हमला बोला, जिसमें गौतम देव लोगों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। उस संबंध में उन्होंने कहा कि इसमें कुछ नया नहीं है, टीएमसी के नेताओं से ऐसी आशा की जा सकती है, लेकिन जनता अब धमकी से डरने वाली नहीं है और निर्भय होकर बिना किसी से डरे मतदान करेगी। इसी प्रकार से राज्य में चुनावी हिंसा से भी जनता भयभीत होने वाली नहीं है। आज शांतिपूर्ण भावे আমরা প্রভুকে পা দেবো না, মারছে পিটছে খুন করে দিচ্ছে, একটাই উদ্দেশ্য যাতে লোক বেরোতে না পারে ভয়ে। মানুষ কিন্তু ভয় পাবে না, আমরা লোককে বলছি আপনারা বেরোন, সেন্ট্রাল ফোর্স আছে আর আমাদের কর্মীরাও লেগে আছেন, মানুষকে অভয় দিয়ে ভোট তুলে নিয়ে আসে। কেন্দ্র বাহিনীর একটা সীমা আছে, যেটা পুলিশ করবে সেটা তো কেন্দ্রীয় বাহিনী করতে পারেনি। কাল যেমন আমার উপরে অ্যাটাক হলো, তো মাঠের মধ্যে যেখানে সভা হচ্ছে সেখানে যদি অ্যাটাক করে পুলিশকে এসে দেখতে হবে পুলিশ প্রশাসন, পুলিশ না দেখে পুলিশ আগেই পালিয়ে যাচ্ছে, পুলিশ আমাকে আটকে রেখেছে আর সেখানে সেন্ট্রাল বাহিনী কোনো করার নেই। তো যেখানে টেনশন আছে সেন্ট্রাল বাহিনীকে কাজে লাগানো উচিত, সেটাও লোকাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন লাগায়, তারা লাগায় নিচ্ছা করে। করোনা ভাইরাস কা দেশ মে কোহরাম, আব রেকর্ড 1,32,000 নয় কেসেস সামনে, 24 ঘন্টো মে 780 সংক্রমিতো কি মৌত। দেশ মে করোনা সংক্রমণ বেকাবু হো চুকা হ্যায়, নয় মামলো কি সংখ্যা হর দিন রেকর্ড তোড় রহি হ্যায়। হর দিন दुनिया से सबसे ज्यादा केसेस भारत में ही आ रहे हैं। चौथी बार देश में 1,00,000 से ज्यादा कोरोना केसेस सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 1,31,968 नए कोरोना केसेस सामने आए और 780 लोगों की जान चली गई। हालांकि 61,899 लोग कोरोना वायरस से ठीक भी हुए हैं। इससे पहले 4, 6 और 7 अप्रैल को 1,00,000 से ज्यादा केसेस सामने आए थे। अब जानते हैं आज देश की कोरोना की स्थिति। कुल कोरोना केस 1,30,60,542, कुल डिस्चार्ज 1,19,13,292, कलेक्टिव केस 9,79,608, कुल मौत 1,62,642, कुल टीकाकरण 9,43,34,34,262 डोज दी गई। आज के लिए बस इतना ही, और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए इसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।